बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.1। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको रैशनल एक्सप्रेशंस, पॉलीनोमियल्स का कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ, इसमें वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल, येस और नो। ठीक है, हमने बताना है कि नीचे जो हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये पॉलीनोमियल हैं या नहीं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीनोमियल कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं और कौन से नहीं होते। वो एक्सप्रेशंस पॉलीनोमियल नहीं होते जिनमें जो हमारे पास वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर हो या फिर डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, वेरिएबल जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये वेरिएबल्स होते हैं, ये अंडर रूट की फॉर्म में नहीं होने चाहिए और डिवाइड की फॉर्म, डिवाइड में ये नहीं होने चाहिए। फर्स्ट देखें, 3x² + 1/x - 5, ये एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल आ रहा है x, इसलिए ये डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसके आगे हम नो लिखेंगे। ठीक है, सेकंड देखें, 3x³ - 4x² - x√x + 3, ये एक्सप्रेशन भी पॉलीनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, अंडर रूट के अंदर हमारे पास वेरिएबल आ रहा है x, इसलिए ये भी एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं है। थर्ड, x²-3x + √2, ये एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखें, इसमें अंडर रूट तो आ रहा है लेकिन अंडर रूट के अंदर कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये हमारे पास पॉलीनोमियल है। नेक्स्ट, 4x²/2x - 1+8, ये एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलीनोमियल नहीं है क्योंकि देखें, इसके डिनोमिनेटर में x आ रहा है, 2x। ठीक है, तो x आ रहा है इसलिए वेरिएबल जब डिनोमिनेटर में आता है तो वो एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं होता, इसलिए ये पॉलीनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। ठीक है, हमने नीचे बताना है कि जो हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हैं वो रैशनल हैं या नहीं। रैशनल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन हमारे पास वो इरेशनल होते हैं जिनमें अंडर रूट आ जाए। ठीक है, जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर वेरिएबल आ जाता है तो वो इरेशनल बन जाती है टर्म। ठीक है, फर्स्ट देखें, 3√x/3√x+5, इसमें अंडर रूट के अंदर हमारे पास वेरिएबल है ना x दोनों जगह, तो इसलिए ये वाला इरेशनल होगा, इरेशनल नहीं है, तो रैशनल नहीं है, इसलिए इसके आगे नो लिखेंगे हम। सेकेंड देखें, x³-3x² + √3/2+3x - x², ये p बाई क्यू की फॉर्म में है और इसमें देखें अंडर रूट है लेकिन अंडर रूट के अंदर क्या है, कांस्टेंट है, तो वेरिएबल तो नहीं है ना अंडर रूट के अंदर, इसलिए ये रैशनल होगा, इसके आगे यस लिखें। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 3x² + 6x + 9/x² - 9, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में और कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो अंडर रूट के अंदर हो, इसलिए ये इसके आगे भी यस लिखें, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें, 2√x + 3/2√x - 3, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है लेकिन देखें इसमें वेरिएबल x जो है वो अंडर रूट के अंदर है, इसलिए ये इरेशनल होगा, ये रैशनल नहीं है, इसलिए इसके आगे नो लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। हमें नीचे डिफरेंट रैशनल एक्सप्रेशन दिए हैं, हमने इनको इनकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट फर्स्ट हम पार्ट कर रहे हैं जो कि है 120x²y³z5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30x³y²। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम 120 का एलसीएम ले लेंगे साइड पे, 120 2 5 10, सॉरी 2 6 12, 0 2 3 6, 0 2 1 2, और नेक्स्ट इधर कैरी चल जाएगा, 2 5 10, 3 5 15 और 5 1 5। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, ये हमने सारे इसके यहाँ के यहाँ लिख लिए, x²y³z5। नेक्स्ट देखें, नीचे जो डिनोमिनेटर है हम उसमें भी उसका भी 30 का एलसीएम ले लेंगे, 2 1 2 2 5 10,
थ्री फाइव ज़ा 15 और फाइव वन ज़ा 5, तो ये 5 3 और 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। नेक्स्ट देखें कटिंग जो हो रही है, हम कटिंग करेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 वन ज़ा 5 फॉर 5 वन ज़ा 5 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 4, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 5। नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर में जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको ऊपर ले जाएंगे, तो जब वेरिएबल्स को ऊपर लेके जाएंगे तो उनकी पावर के साइंस चेंज हो जाएंगे, x के साथ नीचे क्या था प्लस 3, ऊपर जाके माइनस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें y के साथ ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी मीन्स 1 था, तो ऊपर जाके वो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन माइनस 1 हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखें z स्क्वायर है तो ऊपर जाके z माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम 4, अब जो वेरिएबल्स एक जैसे हैं जैसे कि x x सेम है ना, तो 2 माइनस 3 इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें y 3 और इधर y की पावर क्या है माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो जाएगी। नेक्स्ट z 5 और इधर z की पावर क्या है माइनस 2, तो ये माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें 4 x प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वैल्यू, तो इधर माइनस 1 आ जाएगा। y प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वैल्यू, तो प्लस आएगा और 3 में से 1 गए 2। इसी तरह z को भी करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वैल्यू, तो प्लस आएगा और 5 में से 2 गए तो 3। अब देखें हमने नेक्स्ट स्टेप में 4 y स्क्वायर ऊपर ही लिखेंगे और z क्यूब भी ऊपर ही लिखेंगे, क्योंकि इनकी पावर्स क्या थी पॉजिटिव, लेकिन x हमारे पास ऐसा है जिसकी पावर नेगेटिव है। तो हम मैंने आपको बताया है ये बात पहले कि जब हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी हम कोशिश करते हैं कि पावर्स को पॉजिटिव रखें, तो जब x की पावर पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो नीचे आके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो फाइनल आंसर हमारे पास यही है, 4 वाई स्क्वायर जेड क्यूब और नीचे एक्स, ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पार्ट 2 इसका क्या है, 8a इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें सबसे पहले 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे हम फॉर्मूला खोलेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, फिर कटिंग हो गया हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर भी फॉर्मूला ओपन होगा और नीचे भी फॉर्मूला ओपन होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का ऊपर भी फॉर्मूला ओपन होगा और a माइनस बी होल स्क्वायर का नीचे फॉर्मूला ओपन होगा, और फॉर्मूला ओपन होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इनके मैंने आपको मेथड्स बता दिए, ये इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये मैं आपको कराती हूँ, पार्ट 4 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले को ओपन करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखें a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखेंगे यही है ना, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमने a क्यूब माइनस b क्यूब वाला अप्लाई किया है यहाँ फॉर्मूला। ये आगे सेम ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें नीचे जो होगा, नीचे x माइनस y एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। अब ये देखें x माइनस y इस x माइनस y से कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर से पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1, तो वो हम बेशक ना लिखें। अब ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, इसकी क्या होती है दूसरी साइड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास पार्ट 4 का फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई है, ठीक है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह हम फॉर्मूलाज लगाएंगे। इधर हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगेगा और नीचे हमारे पास इन दो पे तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, इस पे कौन सा लगेगा, वही ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। ठीक है, इधर पहले हम 2 का होल स्केयर बना लेंगे और फिर हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा और फिर कटिंग होकर फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखें। ऊपर 6 क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसका पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है 2x स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, अब हमने इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ऊपर देखें फॉर्मूला बन रहा है, x का होल स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लग गया। अब देखें इसको, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है ना, ठीक है, तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होता है। ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 होता है तो 1x स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8 होता है तो 4। ऊपर देखें ये इसका क्या होता है, a माइनस b, तो a इस केस में क्या है, x माइनस बी क्या है, 2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे देखें 2 इक्वल्स टू डाल दूँ 2 और नीचे देखें फॉर्मूला लग रहा है x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें x माइनस 2 पर होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी में x प्लस 2। ठीक है, और a माइनस बी होता है तो x माइनस 2। ठीक है, यही दो चीज़ें एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है, तो वो आ गया। अब देखें ये एक x माइनस 2 इसके एक x माइनस 2 से गया, एक दो x माइनस 2 थे ना, तो एक x माइनस 2 इसके एक x माइनस 2 के साथ गया, ऊपर एक x माइनस 2 रह जाएगा और नीचे 2 इंटू x प्लस 2। अब देखें नेक्स्ट, इससे और सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, तो ये इसका ही यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम करते हैं, पार्ट सेवन है हमारे पास, 64x5 माइनस 64x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, और 2x प्लस 2। ठीक है, इसमें अब हमने सबसे पहले देखें कॉमन निकालना है, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम सबसे पहले इसमें कॉमन क्या निकाल रहे हैं, ऊपर देखें एक 64 कॉमन निकल रहा है और एक x कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो 64 और x कॉमन निकाला, इधर से 64 भी बाहर चला गया और एक x बाहर गया, तो पीछे कितने x रह जाएंगे, 5 में से एक x बाहर गया तो 4x रह जाएंगे, माइनस इसमें से ये देखें पूरी टर्म बाहर चली गई है ना, कॉमन निकाल लिया तो 1 रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें नीचे, इसमें से 8 कॉमन निकल रहा है, 8 कॉमन निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लेंगे और एक्स प्लस 1 हमारे पास इधर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 64 इधर फॉर्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 8x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा और 2 इंटू एक्स प्लस 1 भी हम ऐसे ही अभी लिख देते हैं। नेक्स्ट देखें 64x भी था ना इधर, 64x। ठीक है, और इधर फॉर्मूला जब ओपन होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट नीचे 8 2 16 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे पास 16 1 16 और 16 4 64 होता है। ठीक है, ये देखें 16 × 4 इज 64, तो हमारे पास 16 1 16 और 16 4 तो ये ऊपर 4x रह जाएगा, ये एक्स के प्लस 1 इस एक्स के प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आगे हमारे पास फॉर्मूला दोबारा लग रहा है। ठीक है,
माइनस पे तो दोबारा लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है, तो हम दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे और नीचे भी x प्लस वन ऐसे ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट में हम इधर फॉर्मूला वही ओपन करेंगे एक दफ़ा प्लस वन के साथ। अब देखिए अंदर x है ना, पहले अंदर x स्क्वायर था तो हमने x स्क्वायर और 1 को पहले प्लस के साथ लिखा था और फिर माइनस के साथ लिखा था। अब अंदर क्या है, x है तो x को हम पहले 1 के x और 1 को प्लस के साथ लिखेंगे और फिर x और 1 को हम माइनस के साथ लिखेंगे और नीचे x प्लस वन। ये x प्लस वन इस x प्लस वन से कैंसिल हो गया और हमारे पास फाइनल आंसर इसका क्या आ गया है, 4x इंटू x माइनस वन। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए जो है हमारे पास वो है 9x² - x² - 4 का होल स्क्वायर और डिवाइड 4+3x - x², ठीक है। ये हमारे पास का पार्ट एट है। इसमें सबसे पहले देखें हमने फॉर्मूला, इधर 3x का होल स्क्वायर माइनस x² - 4 का होल स्क्वायर। देखें b का होल स्क्वायर हमारे पास पहले से था, ये पूरी टर्म क्या है x² - 4 इसका b स्क्वायर है और 3x हमने इसका स्क्वायर खुद से बनाया है। 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 और x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है x का, तो उसका हमने होल स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट नीचे देखें 4+3x - x², ये अभी ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास अब इस इधर देखें हमने क्या करना है, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो किसके इक्वल होता है a+b (a-b). लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि इस केस में a क्या है और b क्या है। a क्या है इस केस में 3x, तो a क्या हो जाएगा 3x और b क्या है x² - 4, ये पूरा x² - 4 क्या है b, ठीक है। तो अब हम 3x को एक दफ़ा 3x + x² - 4 लिखेंगे और एक दफ़ा 3x - x² - 4 लिखेंगे। तो अब इसके इसको फॉर्मूले को ओपन करने के लिए हम 3x, ठीक है, एक तो ये बड़ी ब्रैकेट ओपन हुई, ठीक है, जो ये वाली थी फॉर्मूले की ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट 3x, ओहो सॉरी इसको सॉरी मैं नीचे लिखती हूँ, ठीक है, 3x स्मॉल ब्रैकेट, आगे हमारे पास माइनस प्लस के साथ फर्स्ट लिखते हैं ना, प्लस 4x² - 4, ठीक है, ये हमारे पास क्या था b। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन होगी, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट वो 3x ही आएगा और अब हम माइनस के साथ लिखेंगे -x² - 4। अभी हम ये जो x² - 4 है इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास इसके क्या है 4+3x - x². अब देखें 3x, अब ब्रैकेट खोलेंगे ये वाली अंदर, +++x² + -4 और ये क्या हो जाएगा 3x + -x² - -+4। जब माइनस अंदर अप्लाई होगा तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे। नीचे क्या है हमारे पास 4+3x - x². अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं इनको अरेंज करना है। जैसे कि फर्स्ट देखें, इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले x² की टर्म आती है ना, फिर x की आती है, तो +x² आ गया पहले, फिर +3x आएगा और एंड में -4, ठीक है, हमने अरेंज करना है। फिर इसको भी -x² पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर +3x आएगा और +4। फिर नेक्स्ट नीचे डिनोमिनेटर में -x² + 3x + 4, सही है, हमने सारों को अरेंज कर लिया। अब देखें कोई ये इस ऐसी टर्म -x² + 3x + 4, ये भी -x² + 3x + 4, तो ये वाली पूरी टर्म इस वाली पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x² + 3x - 4, ये इसका सिंप्लीफाइड लोएस्ट फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो बस आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने इधर कौन जब फॉर्मूला अप्लाई करना है तो दोनों को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा ए प्लस भी होता है और फिर ए माइनस भी होता है, लेकिन हम इसको ब्रैकेट्स में, बी को पहले ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि जब माइनस की ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन अंदर के चेंज होंगे।
क्वेश्चन नंबर फोर, इवेलुएट ए पार्ट है एक्स क्यूब वाई माइनस टू जेड बाई एक्स जेड फोर। अब देखें ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसमें हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके सिंपल आंसर निकालने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखें, हमारे पास ए पार्ट हम कर रहे हैं एक्स क्यूब वाई माइनस टू जेड डिवाइडेड बाय एक्स जेड, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो है थ्री, वाई की वैल्यू माइनस वन और जेड की वैल्यू माइनस टू, ठीक है। अब इसमें पुट करने के लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, एक्स क्यूब वाई माइनस टू जेड डिवाइडेड बाय एक्स जेड। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? थ्री, ठीक है, थ्री है। तो x की जगह हम 3 पुट करेंगे और क्यूब ऊपर इधर आ जाएगा, ये क्यूब, ठीक है। y की वैल्यू क्या है? माइनस वन, फिर आगे ब्रैकेट में ही माइनस वन लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास माइनस है तो माइनस साइन ला लेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, z की जगह z की वैल्यू लिखेंगे माइनस टू, तो z क्या है? माइनस टू, ठीक है। फिर नीचे डिनोमिनेटर में भी इसी तरह x, x क्या था? 3, और z क्या है? माइनस टू, तो z माइनस टू, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट देखें, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, जब हम 3 का क्यूब लेंगे तो 27, ये माइनस वन, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। नेक्स्ट प्लस माइनस, इसका प्लस है ना, कोई साइन नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, ये 6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखें, प्लस माइनस माइनस 27, ठीक है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 6। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में माइनस 27 करेंगे, माइनस 27 प्लस 4 दैट इज माइनस 23, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका मैं इधर आगे ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा? माइनस 23 डिवाइडेड बाय माइनस 6, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 23 बाय 6, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास 23 बाय 6 आ गया। हम देख लेते हैं इसको डिवाइड करके, जैसे 23 डिवाइड बाय 6 करें तो हमारे पास आंसर या तो पॉइंट्स में यह आ रहा है और उसमें अवर में, अवर की फ्रैक्शन की फॉर्म में ये आ रहा है, तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखेंगे और 23 बाय 6 आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आप देखें इसका जो सेकंड पार्ट, अब यही आप इक्वेशन एक्सप्रेशन यही लेंगे और उसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज ये पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट भी ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद ही सॉल्व करेंगे, इसमें भी ऐसे ही होगा, 4 एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो हैं वो इसमें ऐसे एक्स वाई जेड की वैल्यूज ये वाली पुट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। हमारे पास नीचे डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, उनको वही हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या कह लें सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y और माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x, ठीक है। अब देखें सबसे पहले अगर एलसीएम में हमारे पास सेम चीज़ हो तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एलसीएम में फिर वो एक ही दफ़ा चीज़ आती है और ऊपर चीज़ वो वाली मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ती। अब इस केस में देखें एलसीएम में हम जो है, अब देखें इधर 15 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y है और इधर 4 डिवाइड बाई 3y माइनस 2x है, सिर्फ साइन का चेंजिंग्स है एलसीएम में। इधर 2x के साथ प्लस है, इधर 2x के साथ माइनस है, इधर 3y के साथ प्लस है, इधर 3y के साथ माइनस है। तो अब हम इसके लिए, तो हम क्या करेंगे कि 2x माइनस 3y इधर ऐसे ही रहने देंगे और इधर माइनस हम साइन नीचे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3y प्लस 2x, ठीक है। तो इस जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं, तो इसके साथ माइनस हो जाएगा और इसके साथ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 15 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y, ये माइनस ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2x को पहले लिख लेते हैं, माइनस 3y को बाद में, ठीक है, क्योंकि x की टर्म इधर पहले है और फिर 3y है तो 3y। अब देखें नीचे जब आप एलसीएम लेते हैं रैशनल एक्सप्रेशन के केस में, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हम सबसे पहले लीस्ट कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं।
तो एलसीएम में हमारे पास नीचे कॉमन फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, और अदर फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो होता है फॉर्मूला जो हम जैसे लिखते हैं वो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करते हैं आगे अदर फैक्टर्स, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स नहीं होते या नॉन कॉमन फैक्टर्स कह लें, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स, उन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में देखें कॉमन फैक्टर क्या है, 2x माइनस 3y, कॉमन जो दोनों जितने भी एक्सप्रेशंस हो उनमें कॉमन हो, ठीक है, उनमें प्रेजेंट हो। अब 2x माइनस 3y देखें, इन दोनों में है ना, तो 2x माइनस 3y और नॉन कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो यहाँ और यहाँ ना हो या जो यहाँ और यहाँ ना हो, ये एक फैक्टर था वो हमने लिख लिया। अब देखें ये फैक्टर इसके नीचे प्रेजेंट है ना, तो इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर प्लस ये 4 के नीचे भी ये फैक्टर प्रेजेंट है तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा 15 और 4 19, ठीक है, और 19 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y, ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें, ठीक है, पार्ट 3 मैं करा रही हूँ, जब पार्ट 3 करेंगे तो आपको पार्ट 2 जो है वो खुद ही कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 25x square minus 25 divided by x square minus 36 और minus x minus 5 x plus 5 divided by x plus 6, ठीक है। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज ओपन करेंगे। फॉर्मूलाज ओपन करने के लिए ये देखें, x का स्केयर माइनस 5 से 25 होता है तो 5 का स्केयर प्लस माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6, इधर भी नीचे फॉर्मूला हो रहा है ओपन, एक्स का स्केयर एक्स स्केयर माइनस 36 किसका स्केयर होता है, 6 का स्केयर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, नीचे भी इसी तरह एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6, और इधर ये हमारे पास ऐसे ही सेम ही रहेगा, एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 6, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टेप में हम प्लस माइनस में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए हम पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, जो दोनों में प्रेजेंट हो वो कॉमन फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में इधर भी x प्लस 6 प्रेजेंट है और इधर भी x प्लस 6 प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर जो एक में प्रेजेंट हो और दूसरे में प्रेजेंट ना हो, जैसे कि देखें x माइनस 6 इधर प्रेजेंट है और इधर प्रेजेंट नहीं है, तो वो हम लिख लेंगे, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर होता है उसको बस एक ही दफ़ा लिखते हैं, हालांकि देखें इधर अलग प्रेजेंट है इधर अलग, लेकिन कॉमन फैक्टर एक ही दफ़ा आएगा, नॉन कॉमन फैक्टर्स जितने भी होंगे वो इधर आ जाएंगे। फिर इधर x माइनस 6 नॉन कॉमन फैक्टर था और x प्लस 6 कॉमन फैक्टर था, उन दोनों को हमने इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें x प्लस 5 x माइनस 5, अब देखें x प्लस 5 और x माइनस 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, कैसे हमें पता चलेगा, इसके नीचे इन दोनों को देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर और नेक्स्ट स्टेप का डिनोमिनेटर, ये दोनों डिनोमिनेटर x प्लस 6, इसके नीचे x प्लस 6 भी प्रेजेंट है और x माइनस 6 भी प्रेजेंट है, तो कोई भी चीज़ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट देखें x प्लस 5 है, ठीक है, x प्लस 5 के साथ नीचे x प्लस 6 प्रेजेंट है लेकिन x माइनस 6 प्रेजेंट नहीं है, x प्लस 6 तो प्रेजेंट है ना x प्लस 5 के नीचे, इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं होगा x प्लस 5 के आगे, लेकिन x प्लस 6 के साथ जो x माइनस 6 है इधर, ठीक है, वो ऊपर x प्लस इधर प्रेजेंट नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम x माइनस 6 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा, अब देखें इसमें भी x प्लस 5 है और इसके इसमें भी x प्लस 5 है, तो ये एक टर्म है, टर्म्स किससे अलग होती हैं, माइनस से, ये एक टर्म है, इस टर्म में भी x प्लस 5 है, दूसरी टर्म में भी x प्लस 5 है, तो मैं x प्लस 5 को कॉमन ले लूँगी, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, इस टर्म में x माइनस 5, ठीक है, माइनस है बीच में माइनस, और इस टर्म में x माइनस 6 हमारे पास पीछे रह जाएगा, नीचे क्या आएगा x प्लस 6 और x माइनस 6, फिर x प्लस 5 अपनी जगह पे ही, और अंदर हम ब्रैकेट सब ओपन करेंगे, x माइनस 5 प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6 और x माइनस 6 नीचे ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब कटिंग हम करेंगे, कटिंग के लिए लेकर, ठीक है, ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर x प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है, अंदर इधर हमारे पास प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वैल्यू, तो प्लस आएगा और 6 में से 5 गए 1 आ जाएगा, प्लस 1, ठीक है।
नेक्स्ट नीचे x प्लस सिक्स और x माइनस सिक्स ऐसे ही रहेगा। वन से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वही आती है, तो x प्लस फाइव ही रहेगा और नीचे x स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर। मैंने वही जो फॉर्मूला पीछे ओपन किया था वो यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ, x प्लस फाइव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स, ठीक है। तो अब ये आगे सॉल्व और क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर पार्ट फाइव देखें, x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एटीन। अब देखें इस केस में x माइनस टू, ठीक है, नीचे फॉर्मूला क्लोज होगा, तो एक्स स्क्वायर, पहले हम फॉर्मूले की फॉर्म बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अभी बी हमें नहीं पता, प्लस बी थ्री, नाइन किसका स्केयर होता है, थ्री का, तो थ्री का स्केयर, तो इधर क्या आ जाएगा, थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स, देखें इधर भी सिक्स एक्स, तो ये फॉर्मूला हमने सही इसकी फॉर्म किया है। नेक्स्ट एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू कॉमन लेंगे तो एक्स स्केयर माइनस टू नाइन ज़ा एटीन, तो इधर माइनस नाइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूलाज ओपन करेंगे और क्लोज, एक्स माइनस टू, नीचे देखें ये फॉर्मूला क्लोज होगा तो क्या आता है, एक्स प्लस थ्री का होल स्केयर माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स का स्केयर माइनस थ्री का स्केयर, यही होगा, ठीक है। उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री, दो एक्स प्लस थ्री है ना, ठीक है, तो हमने दो दो इनको अलग अलग करके लिख लिया, फिर माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू x प्लस थ्री और x माइनस थ्री, ठीक है। ये तो हमने फॉर्मूला जब ओपन किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास क्या आएगा, नीचे हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम में सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, इधर भी x प्लस थ्री प्रेजेंट है और इधर भी x प्लस थ्री प्रेजेंट है, तो एक दफ़ा x प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें ये वाला x प्लस थ्री, एक x प्लस इधर, ये वाला तो लिख लिया ना हमने, x प्लस थ्री इधर प्रेजेंट है लेकिन इधर प्रेजेंट नहीं है, तो एक और x प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टू भी इधर प्रेजेंट है इधर नहीं है, तो वो भी एक दफ़ा इधर टू आ जाएगा। नेक्स्ट x माइनस थ्री इधर नहीं प्रेजेंट, तो वो भी x माइनस थ्री हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखा, फिर हमने ली जो नॉन कॉमन फैक्टर से वो लिखे, ठीक है। तो ऊपर देखें x माइनस टू, अब x माइनस टू के नीचे इधर देखें x प्लस थ्री दोनों दो दफ़ा प्रेजेंट है लेकिन x माइनस थ्री और टू प्रेजेंट नहीं है, तो इधर टू भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा और x माइनस थ्री भी मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट देखें x प्लस टू है, x प्लस टू के नीचे इन चीज़ों में से टू भी प्रेजेंट है, x प्लस थ्री भी प्रेजेंट है, लेकिन ये एक x प्लस थ्री प्रेजेंट है, इधर कितने x प्लस थ्री हैं, दो, तो एक इधर ऊपर आएगा x प्लस थ्री, और x माइनस थ्री भी प्रेजेंट है, तो वो भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें टू, इधर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने के लिए देखें x को पहले हम कराएंगे x माइनस थ्री के साथ, फिर माइनस टू को हम कराएंगे x माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट माइनस x को मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस थ्री के साथ, ठीक है, और फिर प्लस टू को मल्टीप्लाई कराएंगे हम x प्लस थ्री के साथ, सही है। तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स प्लस थ्री का ये होल स्केयर हो जाएगा, क्योंकि दो एक्स प्लस थ्री हैं, तो ये स्केयर हो जाएगा और ये x माइनस थ्री आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट देखें 2, ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स, टू एक्स आना था इधर, ठीक है। फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 थ्री एक्स प्लस 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 टू एक्स प्लस 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 थ्री टू ज़ा सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट नीचे हमारे पास टर्म टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री ऐसे ही रहेगा। टू को अंदर अप्लाई कर देते हैं आप, ठीक है। टू वन ज़ा टू एक्स स्क्वायर माइनस
थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स माइनस टू टू ज़ा फोर एक्स प्लस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व। इधर अंदर साइन माइनस अप्लाई करेंगे तो ये जगह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस टू एक्स प्लस माइनस माइनस सिक्स। ठीक है, अब देखें जो एक्स स्क्वायर की एक टू एक्स स्क्वायर टर्म है और एक ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हमने इकट्ठा लिख लिया। फिर एक्स की टर्म्स एक माइनस सिक्स एक्स है, फिर माइनस फोर एक्स है, फिर माइनस थ्री एक्स है, इधर एक्स डालना, फिर माइनस टू एक्स है, फिर हमने कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं एंड पे, कॉन्स्टेंट्स में इधर प्लस ट्वेल्व और माइनस सिक्स आ जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस टू में आएगा साइन प्लस का क्योंकि ग्रेटर टर्म के साथ प्लस का साइन है, तो टू में से वन गए वन एक्स स्क्वायर, तो इधर पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस, इसको हम इस पे लिख लेते हैं कैलकुलेटर पे, क्या है माइनस सिक्स माइनस फोर, तो माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू, माइनस थ्री माइनस टू, तो ये आ जाएगा माइनस फिफ्टीन, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस फिफ्टीन एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस प्लस सिक्स, और डिनोमिनेटर देखें हमने इधर ऊपर भी दो जगह नहीं लिखा, आपने लोगों ने लिखना है, ठीक है, डिवाइड करके, और ये लिखना है टू डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री। ठीक है, डिवीजन में जो फैक्टर्स हैं टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, इस तरह डिवीजन की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। नेक्स्ट ये हमारे पास आंसर आ गया, इसके नीचे क्या था डिनोमिनेटर, टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री। अब ये आगे और जो है लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ये हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट सिक्स है। पार्ट सिक्स में देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज जहाँ जहाँ ओपन हो रहे हैं वहाँ वहाँ फॉर्मूलाज को ओपन करेंगे। ठीक है, इधर देखें फोर डिवाइडेड बाय, इधर फॉर्मूला ओपन हो रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इधर जब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट एक्स माइनस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखें इधर भी फॉर्मूला दोबारा x का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वन x प्लस वन और x माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इधर नीचे देखें डिनोमिनेटर में कहीं भी फॉर्मूला ओपन नहीं हो रहा, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। इधर से देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लिया। ठीक है, फिर एक्स प्लस वन इधर भी है इधर भी है, तो ये एक्स प्लस वन भी हमने एक दफ़ा यहाँ लिख लिया। फिर एक्स माइनस वन इधर भी है और इधर भी है, तो एक्स माइनस वन भी लिख लिया। अब देखें हमने नॉन कॉमन फैक्टर देखना है कोई है या नहीं, इधर कोई नॉन कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बस फिर यही तीन फैक्टर्स आएंगे। देखें एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन हमने लिख लिया, एक्स प्लस वन है एक्स प्लस वन भी लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट इसमें भी ये तीनों फैक्टर्स हमने लिखे हुए हैं, तो हमने एंड पे चेक कर लेना है कि कोई भी ऐसा फैक्टर ना रह जाए जो हमने ना लिखा हो इधर डिनोमिनेटर में। अब देखें इधर वन है, वन के साथ नीचे एक्स माइनस वन है, लेकिन ये दो फैक्टर्स नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस वन है, माइनस वन के नीचे एक्स प्लस वन तो प्रेजेंट है, लेकिन ये दो फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को भी मल्टीप्लाई कराएंगे और एक्स माइनस वन को भी मल्टीप्लाई कराएंगे। नेक्स्ट देखें माइनस टू, माइनस टू के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन तो प्रेजेंट है, लेकिन ये दो फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स के एक्स प्लस वन को भी और एक्स माइनस वन को भी। माइनस फोर के नीचे देखें तीनों फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो माइनस फोर के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट देखें वन, और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है,
एक्स स्क्वायर को पहले इससे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 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 एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखें, इस वन को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, प्लस 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 वन एक्स जा एक्स, प्लस 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 वन वन जा वन, ठीक है। फिर माइनस वन, एक्स स्क्वायर को इन दोनों से कराएंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से कराएंगे तो एक्स क्यूब, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर, प्लस 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 एक्स वन जा एक्स, प्लस माइनस माइनस वन वन जा वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर को पहले हमने इन दोनों से कराया और फिर वन को इन दोनों से कराया तो ये आंसर आ गया। माइनस टू, एक्स को इन दोनों से कराएंगे तो एक्स को जब इससे कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस एक्स वन जा एक्स, प्लस 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 एक्स वन जा एक्स, प्लस माइनस माइनस वन वन जा वन, माइनस फोर, ठीक है। और डिनोमिनेटर इसका वही एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये देखिए यहाँ फॉर्मूला क्लोज हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन। जब हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर लिख लेंगे सारा, तो हम नीचे जो फॉर्मूलाज हमने क्लोज किए थे, ऊपर ओपन किए थे, वो हम नीचे आके क्लोज करेंगे वापस। वन, अब देखें एक्स, इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 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 एक्स क्यूब, प्लस 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 एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, क्योंकि वन से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस वन वन एक्स जा एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। इसमें देखें ये और ये तो कैंसिल हो गया, फिर माइनस टू, प्लस माइनस माइनस टू वन जा टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस टू वन जा टू, और ये माइनस फोर, सही है। नेक्स्ट देखिए, अब ये दोबारा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, सही है। फिर हमारे पास देखें ये वाला एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब से कैंसिल, क्योंकि इधर प्लस था इधर माइनस था तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एक्स इस एक्स के इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, इधर एक प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला, फिर प्लस वन, फिर नेक्स्ट प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, प्लस टू माइनस फोर, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में एक्स फोर माइनस वन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की टर्म्स को सारों को मैंने इकट्ठा लिख लिया है। नेक्स्ट फिर कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, प्लस वन, ये फिर एक और प्लस वन, फिर प्लस टू और माइनस फोर। नेक्स्ट देखें प्लस 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 टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, प्लस 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 टू और टू और टू फोर, तो ये प्लस फोर और माइनस फोर, इन तीनों को करेंगे तो फोर आएगा, प्लस फोर और ये वाला माइनस फोर, डिवाइडेड बाय एक्स फोर माइनस वन। ये टू एक्स स्क्वायर इस टू एक्स स्क्वायर से गया और ये फोर इस फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। नेक्स्ट ऊपर कुछ भी सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एक्स फोर माइनस वन, और ज़ीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो ज़ीरो, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अब हमने ऑपरेशंस अप्लाई, एक्सप्रेशंस पे ऑपरेशंस अप्लाई करके उनको वही लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऊपर देखिए हमारे पास प्लस और माइनस के थे, उनमें हम एलसीएम वाला काम कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, ठीक है। नीचे हमारे पास अब मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन हैं, इनमें देखेंगे हम कि हम इनको लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट फर्स्ट वन कर रहे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 49 डॉट 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूलाज ही ओपन करेंगे, ठीक है। फॉर्मूलाज ओपन करने के लिए देखें, x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर
डॉट 5x प्लस 2, इधर कोई फॉर्मूला ओपन नहीं हो रहा और नीचे भी हमारे पास कोई फॉर्मूला ओपन नहीं हो रहा। इसको जब फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो x प्लस 7 और x माइनस 7, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डॉट 5x प्लस 2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में x प्लस 7। ये x प्लस 7 इस x प्लस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 7 और 5x प्लस 2, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या, x पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 5x प्लस 2 से, और फिर माइनस 7 दोबारा 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट देखें, 5x स्क्वायर प्लस 2x, जब x अंदर अप्लाई होगा तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा और इधर 2x हो जाएगा, माइनस 7 5 जा 35x प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का आएगा, 35 में से 2 गए तो 33x माइनस 14, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें आप पार्ट टू, पार्ट टू में हमारे पास 4x माइनस 12 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18x, इसको कर लेते हैं। पार्ट टू है 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9, फिर डिवाइड का साइन है 18 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, 9। अब इसमें हमने सबसे पहले वही फॉर्मूलाज ओपन करने हैं, या फिर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन लेना है। अब फर्स्ट में 4 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 4 3 जा 12, तो इधर x माइनस 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखें, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बीच में डिवाइड का साइन है, इधर से देखें 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 9 जा 18 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, इधर से 2 गया तो इधर 1 रह जाएगा, वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है। नेक्स्ट देखें, x का होल स्क्वायर, इधर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, x का होल स्क्वायर प्लस 2x, और b हमारे पास क्या आएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, तो इधर 3 3 2 जा 6x, देखें ये 6x ही बन रहा है, इसमें हमारा फॉर्मूला जो अप्लाई किया वो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 4x माइनस 3, नीचे देखें x प्लस 3 और x माइनस 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड 2, अब देखें इधर हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, तो उसमें हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसमें क्लोज होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, ये x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो इधर क्या रह जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, और इधर डिवाइड 2, 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम देखें डिवीजन का जो साइन है ये वाला, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी वो ऊपर न्यूमिनेटर में चली जाएगी, और जो न्यूमिनेटर में टर्म होगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये x प्लस 3 इसके एक x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, अब ऊपर एक x प्लस 3 रह गया, नीचे 2, इसको हम x प्लस 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है, मैं x को पहले ले जाऊँ और 3 को बाद में, और इसको हम माइनस x प्लस 3, क्योंकि x जब पीछे आएगा तो वो माइनस x प्लस 3, ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल आउट, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये 2 डिवाइडेड बाय माइनस x प्लस 3 इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड, थर्ड पार्ट में देखें x 6 माइनस y 6 और नीचे है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y 4। इसमें देखें हम इधर सबसे पहले 2 की पावर क्यूब 3 माइनस y स्क्वायर का क्यूब, हम इधर सबसे पहले क्यूब का ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। इधर देखें, हम जब क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इधर ऊपर देखें लिख ली हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी ए बी सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए इस केस में क्या है, एक्स स्क्वायर, ए क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, वाई स्क्वायर। तो पहले क्या है, ए माइनस बी, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या है, ए स्क्वायर, ए क्या है, एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस ए बी, प्लस ए क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, वाई स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी क्या है, वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे और इधर आगे डिवाइड की फॉर्म में एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, और इधर नीचे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इधर देखें x का स्क्वायर, अभी इधर फॉर्मूला लग रहा है माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और इसको जब हम करेंगे तो x 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई x माइनस वाई, और इधर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, क्योंकि नीचे कुछ नहीं था, वन था, वन ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी जब हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखें ये चीज़, ये वाला पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट के इक्वल है, तो ये कट हो जाएंगे एक दूसरे से, ऊपर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे डिवाइड में भी हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स प्लस वाई से कैंसिल, और ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म में हमने इस तरह इसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 हमारे पास क्या है, पार्ट 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय y x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इधर डिवाइड का साइन है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस टू वाई। तो इसमें हम देख लेंगे सबसे पहले कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन इसमें देखें x निकल रहा है, x कॉमन, तो इधर x प्लस वाई रह जाएगा। ठीक है, नीचे y x प्लस वाई। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई एक्स कॉमन निकल रहा है तो एक्स प्लस वाई रह जाएगा, और नीचे वाई तो एक्स प्लस वाई डिवाइड, इधर देखें एक्स कॉमन निकल रहा है तो एक्स माइनस वन रह जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड में हमारे पास वाई कॉमन निकल रहा है तो एक्स माइनस टू इधर आ जाएगा। ये एक्स प्लस वाई इस एक्स प्लस वाई से कैंसिल। ठीक है, ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल, तो इधर x बाई वाई मल्टीप्लाई बाय x बाई वाई रह जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो y ऊपर चला जाएगा और x माइनस टू भी उसके साथ ऊपर चला जाएगा, और ये वाली चीज़ नीचे इधर आ जाएगी डिनोमिनेटर में। अब ये देखें, ये x इस x से कैंसिल, ये y इस y से कैंसिल, तो x के साथ x माइनस टू आ जाएगा, और नीचे ये y के साथ इधर क्या रह गया, x माइनस वन। ये इसका आगे ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये इसका आंसर है। यहाँ हमारी 4.2 ख़त्म हो गई है।